बॉट डू वॉट वी डू, एवरीबडी नीड फूड, यानी सभी को भोजन की, क्लॉथ्स एंड शेल्टर टू स्टे अलाइव इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में सभी को भोजन की, रहने की और कपड़े की आवश्यकता होती है। दिस इज़ आर द बेसिक नीड फॉर ह्यूमंस, ये मानव की जो होती है वो बेसिक नीड होती है। अदर देन दिस इज नीड, वी रिक्वायर ट्रीटमेंट टू गेट रिड ऑफ डिसेज, एजुकेशन टू नाउ मोर अबाउट द वर्ल्ड एंड एंटरटेनमेंट फॉर रिलैक्सेशन। बाकी जो अदर जो थिंग्स होती है, आवश्यकता होती है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती है। वी कैन गेट ऑल थिंग्स नीड थिंग्स बाय मनी, और जो जितनी भी थिंग्स होती है उसको हम वी गेट ऑल दिस थिंग्स बाय मनी, पैसे के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज वाई वी डू सम वर्क टू अर्न मनी, हम पैसे किस लिए अर्न करते हैं। एनी टाइप ऑफ वर्क दैट हेल्प अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि हम बहुत तरह के काम करके हम पैसे को पैसे बहुत तरह के हम वर्क करके उसकी हेल्प से हम पैसे को जो है वो कमाते हैं, तो उसको हम ऑक्यूपेशन यानी व्यापार कहते हैं। यानी कि कोई वर्क करके हम जो पैसे अर्न करते हैं उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। पीपल अडॉप्टेड ऑक्यूपेशन एज पर देयर नीड एंड कैपेबिलिटी, लोग जो है वो अपने व्यापार को अपनी योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार करते हैं। वी कैन वर्क फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, लेबर, ग्रीन ग्रोसर, टेलर्स, कारपेंटर, कोबलर, ETC, ये सारे जो होते हैं वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वर्क करते हैं और पैसे को अर्न करते हैं। पीपल आल्सो वर्क इन ऑफिस टू अर्न देयर लाइव फूड, और कुछ लोग जो होते हैं वो ऑफिस में वर्क करके जो है वो मनी अर्न करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स, ग्रीन ग्रोसर यानी कि सब्जी बेचने वाला, फार्मिंग। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेज, अबाउट 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन विलेज, यानी इंडिया जो है लैंड ऑफ विलेज, इंडिया जो है वो एक गांव है। अबाउट 65% लोग जो है वो विलेज में रहते हैं। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज इज़ फार्मिंग, और गांव का जो होता है वो मेजर जो ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग होता है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं वो फसल उगाते हैं। लाइक्ड फूड ग्रेन, अनाज है, पल्सेस है, शुगर केन है, गन्ना, कॉटन, जूट, टी, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड अदर फूड्स आइटम्स, ये सब जो है वो फार्मर्स जो है वो फार्मिंग करके इसको ग्रो करते हैं। प्लेन लैंड एंड फर्टाइल सोइल इज रिक्वायर्ड फॉर फूड ग्रेन फार्मिंग, जो लैंड, जो जगह समतल और प्लेन होती है, फर्टाइल, उपजाऊ, और वहाँ की मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है, वो रिक्वायर्ड फॉर फूड गुड फार्मिंग, वहाँ पर जो होते हैं वहाँ पर फार्मिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ वहाँ, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। वी नीड वाटर टू इरीगेट दिस फील्ड, कैनल्स, टैंक्स, वॉल्स, ट्यूबवेल्स, डम्स एंड रेन आर द सोर्स ऑफ वाटर। वी नीड वाटर टू इरीगेट, यानी कि जो किसान जो है वो खेती जो करता है उसके लिए जो पानी की जो आवश्यकता होती है वो नल से है, टैंक से है, और नल, कैन, ट्यूबवेल्स जो है, डम्स है, और जहाँ इन सब से वो यूज़ में लेता है पानी को। लेकिन पानी जो है वो उसका मेन सोर्स जो है वो रेन होता है, बारिश होता है। ब्लॉक्स एंड ट्रैक्टर आर यूज टू प्लग द फील्ड, और ब्लॉक्स एंड जो ट्रैक्टर जो होते हैं वो खेत को प्लग करने, जोतने में काम में लेते हैं। फार्मर आल्सो कीप कैटल, सम कैटल गिव अस मिल्क, यानी कि सम कैटल जो होते हैं, यानी कैटल से जो होता है पशु, उनसे जो है वो हमें मिल्क मिलता है। वी गेट एग फ्रॉम हेंस एंड डक्स, और एग जो है, अंडा जो वो हेन और डक से मिलता है। शिप गिव अस वूल, शिप से जो है वो वूल मिलता है। फूड फॉर द कैटल इज आल्सो ग्रोन बाय द फार्मर्स इन देयर फार्म्स, और फूड फॉर द कैटल इज आल्सो ग्रो बाय द फार्मर्स, किसान जो होते हैं वो उनको जो है वो उनसे उनको फूड खिलाते हैं, पशु पक्षियों को चारा है जैसे कि ये खाना है वो खिलाते हैं, और फिर उनसे हमें मिल्क है और ये सब चीज़ें मिलती हैं।